क्या एक छोटी सी टेक्निकल मिस्टेक बहुत से लोगों की जान ले सकती है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई थी। ये एक्सरसाइज यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बीच सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज थी, जिसमें 150 मरीन कमांडो और एयरफोर्स पायलट ने पार्टिसिपेट किया था। इसके साथ में ही इंडोनेशिया और फिलीपींस ने भी पार्टिसिपेट किया था। यूएसए के पास में एक हेलीकॉप्टर है ऑस्प्रे। उस ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर के अंदर 23 लोग सवार थे, जिसमें से 20 लोग घायल हुए हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। तीनों लोग जो थे वो कॉकपिट में थे और ये पायलट थे, इनकी मौत हुई है। क्या वजह थी? फिजिक्स का ऐसा कौन सा रूल है जिसको नजरअंदाज किया गया और जिसके कारण ये दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं? आज इस लेक्चर के अंदर जो है आप लोग ये जानेंगे कि इसका चंद्रयान 3 के साथ में आखिरकार क्या रिलेशन है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर के अंदर आगे कि ये 3 लोग कौन हैं। रिसेंटली जो है यूएसए के ये तीनों जो हेलीकॉप्टर पायलट हैं, इनकी मौत हुई है। तीनों की उम्र ज्यादा नहीं है। आप लोग यहां पर देखेंगे कि एक जो पायलट है वो 29 ईयर्स, दूसरा जो है वो 21 ईयर्स और तीसरा जो है वो 37 ईयर्स। लेकिन यहां पर अभी जो क्रैश हुआ है, हेलीकॉप्टर क्रैश, उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि आखिरकार कारण क्या है। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जा रही थी ये बहुत बड़ी थी, जिसका नाम था प्रीडेटर्स रन 2023, जिसमें 4 देश पार्टिसिपेट कर रहे थे। मेनली 2 ही देश थे, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, और फिलीपींस और इंडोनेशिया इसमें अलग से शामिल किए गए थे। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको मैप पर ले चलता हूं कि दुर्घटना कहां पर हुई है। आप लोग देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के मैप में जब आप लोग अगर ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो यहां पर है कौन सा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जिससे मरे और डार्लिंग 2 नदियां निकलती हैं। यहां पर पर्थ का डेजर्ट जो है वो स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंटेन पीक, वो है कैसियस को। ओके, अच्छा इसमें देखिए ऊपर की तरफ चलते हैं, यहां पर है तिमोर सी। तिमोर सी के नजदीक ही ये घटना जो है घटित हुई है। ये एक जगह देखेंगे आप लोग डार्विन। डार्विन जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एक एयरपोर्ट है, जहां से सहायता जो है पहुंचाई गई थी। इसके ऊपर ये छोटा सा बिंदु आप लोग देख रहे हैं, पॉइंट देख रहे हैं, ये है टीवी आइलैंड। टीवी आइलैंड के ऊपर ही ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट करवाई जा रही थी। मैं आपको सबसे पहले ले जाना चाहूंगा हमारे चंद्रयान मिशन की तरफ। देखिए चंद्रयान मिशन में आपको चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जो है वो दोनों आप लोगों को समझने पड़ेंगे, तब जो है आज का हेलीकॉप्टर क्रैश आपको समझ में आएगा। आप लोगों को ये तो पता होगा कि हमने विक्रम लैंडर को जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग करवाई है चंद्रमा के ऊपर। विक्रम लैंडर के अंदर 4 टांगे जो है, 4 लेग्स वो निकले हुए हैं। इसके अलावा उसके नीचे चंद्रयान 2 में 5 थ्रस्टर्स थे। ये पहला थ्रस्टर, ये दूसरा थ्रस्टर, ये तीसरा थ्रस्टर, ये चौथा थ्रस्टर। इसके अलावा एक थ्रस्टर और था जो कि बीचों बीच था, जो कि सबसे बड़ा थ्रस्टर था। अगर इसका मैं नीचे का व्यू यहां पर बनाऊं तो आप लोग देखेंगे कि 4 थ्रस्टर जो है वो 4 कोनों में है। एक ये रहा, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, और एक बीचों बीच सबसे बड़ा थ्रस्टर था। अब देखिए न्यूटन का एक थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि जब ये थ्रस्टर नीचे की तरफ थ्रस्ट करते हैं तो ये लैंडर जो है ऊपर की तरफ मूव करता है। जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है तो उसको स्टेबिलिटी लाने के लिए ये थ्रस्टर जो है वर्क करते हैं। लेकिन गलती क्या हुई थी चंद्रयान 2 के अंदर, ये जो बीच का थ्रस्टर है ये बहुत पावरफुल था और इसने क्या किया कि पूरे के पूरे विक्रम लैंडर को इम्बेलेंस कर दिया था। ये प्रॉपर पोजिशन में नहीं आ पाया था। इसी ये जो थ्रस्टर था बीच वाला, जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल था, चंद्रयान 3 के अंदर इस बीच वाले थ्रस्टर को हटा दिया गया और ये 4 थ्रस्टर 4 कोनों पर लगा दिए गए थे, जिसके कारण ये चंद्रयान 3 जो था वो बैलेंसिंग की कंडीशन में आया और हम लोग सॉफ्ट लैंडिंग करने के अंदर कामयाब हुए और भारत विश्व का पहला देश भी बन गया था। ये पूरा कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। यहां पर ये जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं ये है यूएसए का ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर। ऑस्प्रे हेलीकॉप्टर के अंदर 2 जो है यहां पे ब्लेड्स लगी हुई हैं, दोनों तरफ फैन जो है वो लगे हुए हैं। बेसिकली इन्हीं फैन की थोड़ी सी मिस्टेक के कारण एयर प्रेशर जो है वो यहां पर कंट्रोल नहीं हो पाया और ये हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश कर गया। इस पर आप लोग ये जो विंडो देख रहे हैं सामने की तरफ, ये विंडो बहुत मजबूत है। इसके स्पेसिफिकेशन के कारण कोई भी पायलट रात में भी बिना किसी लाइट के इस हेलीकॉप्टर में इस कांच की मदद से जो है वो देख सकता है। ये हेलीकॉप्टर वैसे तो 1989 के अंदर बनाया गया था, लेकिन उसके बाद में इसको बहुत सारे मॉडिफिकेशंस के साथ में 2006 में यूएस आर्मी के अंदर इसको इन्वॉल्व किया गया था, वहां पर इसको जगह दी गई थी। पहले हम लोग इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे कि इसका प्राइमरी फंक्शन है कि स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस लॉन्ग रेंज इन्फिल्ट्रेशन, बहुत लंबी दूरी जो है वो तय कर सकता है। इसके साथ में ही 2006 में इसको डिप्लॉय किया गया था। 2 इसमें रॉल्स रॉयल्स के इंजन लगे हुए हैं, 2 रोल्स रॉयल्स के इंजन लगे हुए हैं और इसका स्पेसिफिकेशन ये है कि दोनों के बीच में एक शाफ्ट जुड़ी हुई है। अगर एक इंजन वर्क करना बंद कर दे तो दूसरा इंजन जो है ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। इसमें खास बात ये भी है कि जब भी इंजन के गियर्स को बदला जाता है
तो फिर इंजन की स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। आमतौर पर क्या होता है हेलीकॉप्टर्स के अंदर, जैसे आप स्कूटी चलाते हैं रेस बढ़ाते हैं वैसा इक्विपमेंट होता है, लेकिन इसके अंदर गियर्स वाले सिस्टम था, तो गियर्स जैसे लगाते हैं वेलोसिटी जो है वो बढ़ने लगती है। तो रोल्स रॉयस के इसमें इंजन लगे हुए थे। यहां पर गौर फरमाइएगा, इसमें क्रू जो है वो चार रो का हो सकता है, पायलट, को पायलट और टू फ्लाइट इंजीनियर्स, ठीक है। इसके साथ में ही प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड हो सकता है, यानी कि टोटल एयरफोर्स के अंदर 54 एयरक्राफ्ट से शामिल किए गए थे। कुल 24 पर्सोनेल इसमें बैठ सकते हैं, सीटेड है। 32 पर्सोनेल जो है वो फ्लोर लोडेड है, आप लोग जानते हैं हेलीकॉप्टर में नीचे की तरफ जो है वो बैठ जाते हैं, बाकी जो है वो साइड में सीट के ऊपर बैठे बैठ सकते हैं। और 10,000 pounds का ये कार्गो जो है वो कैरी कर सकता है, ये इसके स्पेसिफिकेशन है। कुल ये जो 24 लोगों की सीटिंग थी इसमें केवल 23 लोग ही बैठे थे, 23 में से 20 लोग घायल हुए हैं और 3 लोगों की मौत जो है वो हुई है जो कि कॉकपिट के अंदर बैठे हुए थे, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा माजरा जो है आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब ये घटना पहली नहीं है, इससे पहले भी 28 जुलाई 2023 को ही ऑस्ट्रेलिया के लगभग 4 जो पायलट हैं उनकी भी मौत हुई थी, और मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो शहीद हो जाते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया के, और खास बात यह है कि उसी आइलैंड के ऊपर ही मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई गई थी, तो हो सकता है कि वहां पर एयर प्रेशर जो है वो मेंटेन नहीं रह पाता होगा, है ना। इस कारण से वहां पर हेलीकॉप्टर क्रैश अधिकतर देखने को मिलते हैं। आप लोग इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम जरूर याद रखिएगा।